चैनल जस्ट रेयर थिंग्स और आज है मेरे चीव का बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू मी। थैंक यू सो मच नट्टू, एंड अगर कोई ये ब्लॉग देख के अगर मेरे को विशेस भेज रहा है या बर्थडे विश कर रहा है तो थैंक यू सो मच आप सबके लिए। पहले एडवांस में मैं आपको थैंक यू सो मच दिल से सबके लिए थैंक यू सो मच। सो पिछले ब्लॉग में आपने देखा कि हम आए थे इगतपुरी, अगर वो ब्लॉग किसी ने नहीं देखा है तो हमारे रोड ट्रिप का वो ब्लॉग देख लो। और इगतपुरी में हम नासिक के करीब जो एक रिजॉर्ट है हम वहाँ पे आए हैं। एक्चुअली इट्स एन विला, सो विला कम रिजॉर्ट ऐसे बोल सकते हैं इसको, एंड ये लेक साइड है। एंड आपने ड्रोन शॉट्स तो देखे होंगे, इसमें आपको समझ में आया होगा कि कितना अमेजिंग इसका लोकेशन है। एक बार आपको पूरा एंटायर रिजॉर्ट दिखाने के बाद हम बाहर जाएंगे और आज लंच करेंगे अच्छे से बाहर। डिनर भी यहाँ पे ही प्लान है, हमने उनको मस्त बारबेक्यू वगैरह बनाने के लिए बोला है। सबसे अच्छी चीज़ क्या पता है, ये नया है, 4 महीने हुए हैं इसको स्टार्ट होके। सो यहाँ का जो एम्बियंस है या चीज़ें जो हैं वो नई है, फ्रेश है। तो आप इन ड्यूरेशन में कभी भी कभी आप प्लान कर रहे हो सो यहाँ पे आना आपके लिए वर्थ है, बिकॉज चीज़ें सब नई मिलेगी आपको। चलो फिर जल्दी जल्दी मैं आपको रिजॉर्ट दिखाता हूँ और डॉक्टर बाकी अपना काम कर लेंगे, ठीक है? चलो। सो ये वाली एंट्री है जहाँ से हम अंदर आए थे, और आने के बाद में ये है एक्चुअल रिजॉर्ट, और यहाँ पे ना इस रिजॉर्ट की पार्किंग है, ठीक है? और ये वाला जो सेक्शन देख रहे हैं आप, ये उनका रिसेप्शन एरिया है। मतलब वो भी एक गांव वाला फीलिंग्स आता है ना, उसी हिसाब से एंटायर इसको बनाया है। और वो सामने जो आपको बंगलो दिख रहा है ना, वो ओनर का है, ये जो दिख रहा है। सो वहाँ पे ओनर रहते हैं। एक्चुअली इस रिजॉर्ट का जो नाम है वो है येलो स्टोन, लेकिन ये सैफरन वालों का है, सैफरन वालों ने इसको लिया है। सो सैफरन स्टेज ने इसका नाम रखा है बोगनविला, ठीक है? कभी भी आप सर्च करते हो ऑनलाइन तो आपको मिलेगा सैफरन स्टेज बोगनविला लेक हाउस के नाम से सर्च करना इसको। सो इसकी मस्त सी एक डेकोरेटिव सी एंट्री है, जैसे एक गाँव में घर होते हैं उसी तरीके से, या जो बंगलोज होते हैं उसी तरीके से। सो यहाँ पे आपको देखो कितने फ्लावर पॉट, डेकोरेशन इतना अच्छा दिया है। यहाँ पे एक पोस्ट लेटर बॉक्स ना, चलो अंदर चलते हैं। सो ये हम आ गए हैं अंदर। सो ये इस तरीके का यहाँ पे अंदर बना हुआ है। सो दिस इज़ बोगनविला जो सैफरन का है, बाकी ये भी सैफरन का ही है, लेकिन ये छोटे छोटे कॉटेजेस हैं जिसके साथ एक अटैच आपको प्लंज पूल मिलता है अंदर, प्राइवेट है सबका अलग अलग। बट अगर आप बड़ी फैमिली आ रही है कुछ आ रही है तो ये वाला बुकिंग कर सकते हो बोगनविला की, जो कि हमने भी यहाँ पे किया। मैं आपको दिखाता हूँ हमारा रूम कौन सा है। सो यहाँ से जैसे एंट्री होती है तो यहाँ से इसी के स्टेयर्स है ऊपर। यहाँ पे एक मस्त सा डेकोरेशन वाली साइकिल वगैरह लगी हुई है, तो यहाँ पे आप फोटो सेशन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये वाला जो रूम है इनका, दिस इज गेम रूम। यहाँ पे आपको दिख रहा है साइकिल वगैरह लगी हुई है बाहर। सो अंदर मैं आपको जाके दिखाता हूँ, पहले आप यहाँ से इसका व्यू देखो। और यहाँ पे आने के बाद ये बड़ा सा लॉन है, पूरा सेंटर में इसका लॉन है, राइट? यहाँ पे कुछ लोग वर्कर्स काम कर रहे हैं। वो आगे आपको दिख रहा है, दैट इज़ गजीबो वाला एरिया, गेम रूम। और ये है एक्चुअल बोगनविला, ऊपर 2 रूम है, नीचे 2 रूम है। सो ये कॉटेजेस में भी आपको एक बार ले जाके दिखाता हूँ अंदर ये रूम कैसे हैं। इधर साइड में लेके, अभी ये गर्मी इतनी कि ड्राई हुआ है, आधे सेक्शन में उधर पानी है। यहाँ पे है ना इनका स्टेयरकेसेस है, इस स्टेयर कैसे यहाँ पे नीचे होगा, तो ये भी इनका ओपन वाला एरिया है पूरा, जहाँ पे दिस इज़ द रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे आप लंच डिनर के लिए इधर आ सकते हो। इधर कॉर्नर में एक बास्केटबॉल कोर्ट बना हुआ है, और एग्जैक्टली रेस्टोरेंट के इधर जो है ना स्विंग्स लगी हुई हैं। सो आप कभी भी शाम में टाइम स्पेंड करना है वगैरह तो यहाँ पर आ सकते हो आप। दिस इज़ द रेस्टोरेंट, हम यहाँ पे आए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए मॉर्निंग में। ये एक्चुअली दिस इज़ द एंटायर लेक, लेकिन अब ये पूरी ड्राई हो गई है। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे पानी है, सीरियस मैंने आपको ड्रोन शॉट में भी दिखाया था। सो ये पूरा है ना ड्राई हुआ है, बट अब व्यू देखो। सो यहाँ पे है ना पूरी फार्मिंग होती है, ये लोग अनार के पेड़ लगाए हैं, आम के पेड़ लगाए हैं। सो आपको यहाँ पे आने के बाद ना एक होम स्टे वाली फीलिंग भी आएगी, है ऐसा अपना एक फार्म हाउस होना चाहिए, इस तरीके की यहाँ पे फीलिंग आई थी। कितना अमेजिंग सा इन्होंने बनाया, और इतनी शांति है यहाँ पे, कोई व्हीकल नहीं कुछ नहीं है। जो मेन हाईवे है वहाँ से अंदर 600 मीटर्स अंदर आना है आपको रोड से, लेकिन अच्छी वाइब है, हवा इतनी अच्छी खिल रही है यहाँ पे, प्लांटेशन इतनी अच्छी तरीके से ना उसको देख के एक अलग से फील आती है। मेरा नक्टू डिस्कस कर रहे थे, नक्टू बोलती है कि चलो हम भी एक फार्म हाउस ले लेते हैं इसे, मतलब करेंगे फार्म हाउस भी करेंगे एक दिन,
तो ये है इनका बुफे वाला काउंटर। बुफे वाले में ऐसा है कि जब इनका हेड काउंट 10+ होता है तब जाके बुफे लगता है, एंड बारबेक्यू भी तभी होता है, नहीं तो नहीं होता है। ये एक्स्ट्रा स्पेस ये लोग बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे भी बारबेक्यू के काउंटर्स बनने वाले हैं बाद में। वो हमारा रूम है वहाँ पे। सो इस स्टेयरकेस से पूरा लॉन होते हुए यहाँ पे आया। ये हो गया आपका रेस्टोरेंट। अब यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती है, और भी है आगे, बहुत कुछ है। सो जहाँ पे बास्केटबॉल कोर्ट है इसके बाजू से यहाँ पे एक रास्ता जाता है नीचे। कितनी शांति है, ओनली चिड़ियों की वगैरह चॉपिंग की आवाज़ आ रही है, बहुत अच्छा फील आता है। पूरा फार्मिंग लग करा हुआ है यहाँ पे, कितने अच्छे अच्छे फूल लगे हैं। सो इस रोड से नीचे आने के बाद में यहाँ पे भी एक झूला लगा हुआ है, आप कभी भी यहाँ पे भी आ सकते हो टाइम स्पेंड करने के लिए। एंड ये सेक्शन का नाम दिया इन्होंने वेस्ट कॉर्नर। अभी यहाँ पे पानी होता ना यार, सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आता। अभी ये स्टोन्स भी रखे हुए हैं यहाँ, अच्छा मैं चढ़ के दिखाता हूँ। ये पूरा ड्राई हुआ है अभी, तो ये एक्चुअली लेक व्यू आप देख रहे हो। लोगों ने यहाँ पे पाइप्स भी डाले पानी के लिए अपने अपने, सो पूरा ड्राई हो गया है। सो सैफरन स्टेज वालों का हमारे पहला एक्सपीरियंस है, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला हमें, बिकॉज जो विलाज वगैरह वो जो बुक करते हैं ना, जो पैसा लेते हैं आपसे इतना ज़्यादा, वो वर्थ है। ऐसा नहीं है कि इतना पैसा दे रहे हो तो एडजस्टमेंट वाली चीज़ है, ऐसा नहीं है। मैं बोलूँगा कि सैफरन स्टेज प्रेफर कर सकते हो आप आफ्टर सीइंग दिस फर्स्ट प्रॉपर्टी। सो यहाँ पे आगे आने के बाद में इधर एक गेट बना हुआ है। सो अभी कैसा ये गेट बंद है बिकॉज पूरा ड्राई हुआ है। आई एम नॉट श्योर कि ये बोटिंग वगैरह कराते नहीं कराते, देखना पड़ेगा, पूछ लेता हूँ मैं उनसे। सो अब मैं आपको इनका बेस्ट चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे भी एक इन्होंने कॉर्नर पे गजीबो बनाया हुआ है, सो रात में आके आप यहाँ पे दोस्तों के साथ चिल कर सकते हो। इनका दूसरा नाम यहाँ पे दिख रहा है, विच इज़ टोनी शोर। अभी टोनी शोर क्यों है, क्योंकि ये चीज़ यहाँ पे है। सो ये इनका बारबेक्यू वाला एरिया है। इसका भी एक ऐसा है कि अगर हेड काउंट ज़्यादा होगा तब आपके लिए यहाँ पे बारबेक्यू अरेंज किया जाता है। सो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ बारबेक्यू। और यहाँ से अभी आपको दिखाता हूँ एग्जैक्ट लेक का व्यू। देखो इतना पानी है अभी यहाँ पे, बाकी पूरा ड्राई हुआ है। यहाँ पे भी लोगों ने पाइप्स डाली है पूरी। ये पूरा यहाँ से इस तरीके का पाथवे कितना बड़ा है, वहाँ पे देखो रेस्टोरेंट है। मैं पूरा वहाँ से घूम के आया हूँ। आपको देख के अच्छा लग रहा है? अगर आपको देख के अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस व्लॉग को लोगों तक पहुँचाओ, ताकि पता चले कि यहाँ पे ऐसी कुछ चीज़ है जो कि आप फैमिली हो गया, फ्रेंड्स हो गया, सबके साथ आप आ सकते हो यहाँ पे। ये देखो कटहल लगे हुए, नारियल निकाल रही है। एनीवेज सो लेट्स कंटिन्यू। देखो कितना डेंस बना हुआ है ना, शांति भरा माहौल। सो इसी रूट से हम आगे जाएंगे तो वापस हम रेस्टोरेंट के पास कनेक्ट करेंगे। सो यहाँ से भी इनके स्टेयरकेसेस हैं। सो फिर से वापस आप उसी लॉन पे आ जाओगे। चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ इनका गेम रूम। सो ये यहाँ पे बाहर साइकिल रखे हैं, ओपन है, आप लेके आराम से घूम सकते हो पूरे फार्म में। यहाँ से इसकी एंट्री है गेम रूम की। ओके सो ये सब अच्छा लग रहा है ना, जैसे स्टोन का पूरा घर बनता है। सो यहाँ पे आपको मिलेगा चेस, कैरम और एक स्क्रीन लगी हुई है, और ये है प्रोजेक्टर। सो आप यहाँ पे बैठ के मूवीज़ देख सकते हो। वाईफाई लगा हुआ है यहाँ पे सभी जगह, ये स्पीकर्स भी लगे हुए हैं। तो इंडोर गेम्स में ज़्यादा कुछ नहीं है, चेस एंड कैरम है, लेकिन आउटडोर गेम्स के लिए यहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शंस रखे हैं इंडोर गेम के साथ भी। जैसे ये हो गया बास्केटबॉल जैसे मैंने आपको दिखाया था वहाँ पे, और ये फुटबॉल, और जेंगा भी रखा हुआ है, सो वो भी खेल सकते हो। बैडमिंटन भी है यहाँ पे, ऊनो के कार्ड्स पड़े हैं। सो कुछ ऐसा सेटअप है यहाँ पे आपको अंदर मिलेगा। बट बहुत अच्छा बना ये जो फील है ना इसका, ये बहुत अच्छा फील देता है आपको। ए डॉक्टर बी मेरे को धूप में घुमा के खुद बस शेड में खड़े रहता हूँ। सो ये हमारा जो रूम है, इसके यहाँ से एक पाथवे आपको दिख रहा है, ये देखो कहाँ लीड करेगा। यस स्विमिंग पूल, ये ग्रीस वाली फीलिंग दे रहा है ना आपको, जैसे ग्रीस में स्विमिंग पूल्स होते हैं वैसे। नाइस ना, यहाँ पे डेप्थ ज़्यादा है, वहाँ पे डेप्थ कम है। और अच्छी चीज़ क्या बताएं, जहाँ पे हमारा रूम है ना, यहाँ से विंडो से ही दिखता है। और इधर बना हुआ है इनका चेंजिंग रूम। अब ग्रीनरी एंड प्लांटेशन देखो, इतनी अच्छी तरीके से इसको डेकोरेट किया है ना,
वही देख के अच्छा लगता है। सो अभी मैं क्या करता हूँ, आपको एक कॉटेज दिखा देता हूँ। इन्होंने अच्छी चीज़ क्या करी, यहाँ पे लॉन दिया और स्विमिंग नहीं दिया ना, तो प्रिवेसी का ठीक है कि स्विमिंग वहाँ दिया है। रीज़न क्या है कि ये सारे कॉटेजेस है ना, इनको एक प्राइवेट प्लंज पूल अंदर दिया है कॉटेजेस को, लेकिन ये बाहर बहुत अच्छी सीटिंग की एक जगह है कि आप रात में आके बैठ के आराम से, और हवा इतनी अच्छी चलती है रात में कि आप मस्त यहाँ पे बैठ के इंजॉय कर सकते हैं। और एक चीज़ अच्छी क्या पता है, ये जो पुराने टाइप के कंदील बोलते हैं इसको, जो पुराने टाइप के कंदील है, तो इसके अंदर इन्होंने बल्ब लगाई है। रात में है ना ये बहुत अच्छा दिखता है। सो मैं रात के में भी कुछ शॉट्स लिए, वो भी मैं आपको डालता हूँ, वो भी आप एक बार देख लो। लेट्स गो। ओके, सो ये देखो, ये है इसका रूम, कितना बड़ा रूम है। सो सेम हमारे रूम के जैसे, वो मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। यहाँ पे ऐसे सीटिंग वाली एरिया है, फैन, यहाँ पे कितनी बड़ी सी स्पेस दी है। और यहाँ पे ये सेक्शन में आपको नीचे फ्रिज मिलेगा, केटल एंड ग्लास वगैरह। और यहाँ पे अंदर है इसका वॉशरूम, यहाँ पे आपको मिलता है वर्क डेस्क और एक टीवी। सो हर एक रूम में आपको यहाँ पे एक मिलेगा टेलीफोन और वाईफाई। चलो अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ अंदर वॉशरूम। सो ये है वॉशरूम, यहाँ पे है ना ये वॉकिंग वार्डरोब जैसा स्पेस दिया है। इधर साइड आपका आएगा बेसिन, यहाँ पे आपको WC बिठा हुआ है, और यहाँ पे है आपका शावर। तो मैं आपको शावर एरिया दिखाता हूँ पहले। ये है इनके वार्डरोब वाली जगह पे, आपको दो तीन हैंगर्स मिलेंगे, लॉकर वगैरह कुछ नहीं मिलेगा आपको, यही वाला एक सेक्शन मिल रहा है चाबी के साथ। तो ये आपका पूरा एंटायर सेक्शन प्राइवेट हो गया, अलग हो गया आपका वॉशरूम वगैरह, रूम से कट गया, तो आपको एंटायर रूम में स्पेस मिल जाती है। अब ये रहा इसका प्लंज पूल, जो कि हर एक रूम में, हर एक कॉटेज में यहाँ पे दिया हुआ है इस तरीके का प्राइवेट। तो यहाँ पे प्रिवेसी इस तरीके की, यहाँ पे वॉल है, वॉल के पीछे आपको वहां पे दूसरा कॉटेज मिलेगा, तो आपका अपना प्रिवेसी रहेगा यहाँ पे। कैसा लगा ये रूम, अच्छा है ना, बढ़िया है ना रूम, काफ़ी बड़े साइजेस हैं, सबसे अच्छी चीज़ वो है, और सेफ्टी इतनी अच्छी है ना कि आप आराम से इसको खुला रख के घूम सकते हो कहीं पर। ओके गाइस, तो मैंने आपको दिखा दिया नीचे वाला पूरे कॉटेजेस, अब मैं हमारा रूम दिखाता हूँ आपको। चलो, सो ये स्टेज बने हैं यहाँ पे, यहाँ पे भी कितने मस्त आर्टिफैक्ट्स रखे हैं बीच बीच में। सो इस तरीके से ऊपर आने के बाद में आपको यहाँ पे व्यू देखो आप, वाओ अमेजिंग ना, इसलिए हमने ऊपर वाला लिया, बिकॉज यहाँ से आपको पहाड़ों का व्यू जो आता है ना, वो बहुत अच्छा आता है। सो इतनी बड़ी सी यहाँ पे लॉबी दी हुई है पूरी, देखो ये ऊपर वाला रूम है, ये भी खाली है। सो हमारा वो वाला है, इतनी अच्छी बड़ी जगह है ना पूरी। सो ये है हमारा रूम, इतनी बड़ी जगह ना, हम रात में बैठ के यहीं पर डिनर किए थे, सीरियस अमेजिंग। अभी पानी नहीं है ना यार, नहीं तो ये लेक का व्यू ना बहुत अच्छा आता है यहाँ से। आ गई है नक्टू फाइनली, रेडी हो के? यस। तो नक्टू अब बस रूम के दर्शन कराने, ठीक है चलो अंदर। गर्मी बाहर बहुत गर्मी, इसलिए मैंने एसी चलाया है आप लोगों के लिए। यस, सो बंद करते हैं। ओके, ये है हमारा रूम, और ये है मेरी नक्टू का डेकोरेशन। केक पे रखी हो तुमने? Yes, ये अमेजिंग सा रूम। इन लोगों ने हट के जैसे बनाया है प्रॉपर, और हाइट भी काफी, इधर तो काफी ज्यादा ह्यूज दिखने में आ रहा है, और है भी काफी बड़ा। यहाँ पे दिया है टीवी, और ये टेबल, यहाँ पे हम जब सामान रख दिया है, और ये टीवी में पता है क्या चीज है, यहाँ पे नेटफ्लिक्स पे चलता है, यूट्यूब पे चलता है, और टाटा स्काई का सेटअप बॉक्स भी चलता है, वो भी मस्त चालू है, सब फ्री फ्री है। उसके बाद फिर यहाँ पे दिया है टेबल, अगर आपको बैठ के यहाँ पे कुछ काम करना है तो कर सकते हो, इसकी चेयर मैंने उधर रख दी है। और यहाँ पे टेलीफोन, इंटरकॉम, और ये रहा वाईफाई। ये अच्छा है कि रूम में ही वाईफाई दिया है, तो नेटवर्क बिल्कुल फुल आता है। और ये जो है ना आयन, ये रूम में नहीं थी, हमें मंगा के लिया है, तो यहाँ पे ना दे देते हैं वो लोग, अगर कोई भी चीज बोले ना, अगर आपको कुछ चीज की जरूरत है तो आप उनको पूछ लो, वो लोग दे देंगे, ठीक है। और उसके बाद ये बड़ी सी विंडो, ये मुझे बड़ी अच्छी लगी, कुछ अच्छे से पैटर्न है, और पता है प्रॉपर इसको वो भी दिया है, मॉस्किटो नेट भी है ग्लास के बाद यहाँ पर।
ताकि आप खोल के रख सकते हो शाम में हवा के लिए। अब वो रहा स्विमिंग पूल, ये हमारा स्विमिंग पूल का व्यू। और अच्छी चीज है कि पीछे प्रिवेसी यहाँ पे कुछ नहीं है, एक छोटा सा ये है यहाँ पे तालाब है वो, तो वहाँ पे प्रिवेसी है, उसके आगे कुछ नहीं, सीधे वहाँ पे आगे मेन रोड है उधर साइड। ये चीज पता है कोजी वाली जो फील देती है ना, कभी कभी आपका मन करता है कॉर्नर में जाके बैठ जाओ, व्यू एंजॉय करो, तो वो ये वाली चीज है। यहाँ बस बैठ जाओ, यहाँ से पूल भी दिखता है। देखो ये बहुत बहुत प्यारी जगह है, पता है कहीं वाली रीडिंग बुक रीडिंग वगैरह करना है वगैरह, तो उसके लिए बहुत अच्छा है ये जगह। गाने भी सुनने हेडफोन्स डाल के, तो वो भी आप मस्त सुन सकते हो, और यहाँ से टीवी भी देख सकते हो। मैं कहता था मैं मजे भी करती थी। और उसके बाद फिर ये आता है सोफा टेबल, यहाँ पे जी बैठ के छोटू सा केक कट करेंगे अभी, जो की हाँ, ये वाला केक कट करेंगे, क्योंकि हम ये लेके आए थे रात में, बट रात में हमने एक्सेस खा लिया था, मिठाई गुलाब जामुन अच्छा सारा खाना, तो हमारा मन नहीं किया कि हम केक कट करें, इसलिए हम अभी केक कट करेंगे जाने से पहले। ठीक है, तो ये है इनका वॉशरूम। सबसे पहले ये सामने एक टेबल दिया है, आप बैठ के यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ये वार्डरोब भी अपने कपड़े रख सकते हो यहाँ पर, और यहाँ पर दिया है वॉश बेसिन और मिरर। यहाँ पे स्लाइडर है प्रॉपर, ये है शावर एरिया। हमने शैम्पू में पटक दिए। और एक अच्छी चीज ये है कि यहाँ पे गर्म पानी आपको कंटिन्यू मिलेगा, है ना डॉक्टर, 24 आवर्स। और ये वाले सेक्शन में आप कर लिए डब्ल्यूसी। हाँ जी, तो आपको कैसा लगा एंटायर रिजॉर्ट जो मैंने आपको दिखाया। इस रूम का प्राइस है पर नाइट का 6,000 रुपीज इंक्लूडिंग टैक्सेस, और जो नीचे वाले रूम है कॉटेजेस हैं उनका प्राइस है 8,000 रुपीज इंक्लूडिंग टैक्सेस, तो आपको सिर्फ 2,000 रुपए का डिफरेंस आने वाला है। 2 दिन का गेटवे के लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज शांति भरा जगह है यार, मतलब सिटी के हसल फैसल से आप निकल के यहाँ पे आपके आके अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। सो मेरा केक कटिंग होने से पहले 2-3 चीज़ें आपको बस हेड्स अप देना चाहूँगा कि यहाँ पे जो चार्जेस हैं रूम के और कॉटेज के मैंने आपको बता दिए। सो इस प्राइजेस में आपका फूड इंक्लूडेड नहीं है, फूड के लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, और इनका एक पैकेज है या इधर आले काटे के हिसाब से आप कर सकते हो। सो एक बार का तो ट्राई करना बनता है, जो हमने किया। ठीक है, चलो मैंने आपको सारी डिटेल दे दी इस रिजॉर्ट, इस पूरा रिजॉर्ट हमने आपको एक्सप्लोर करके दिखाया, तो उम्मीद है आपको ये हमारा ब्लॉग भी पसंद आया होगा, इस रिजॉर्ट भी पसंद आया होगा। जब हम लोग भी आए थे तो हमें भी थोड़ा सा लग रहा था कि हम जा तो रहे हैं इस रिजॉर्ट से, बट पता नहीं कैसा होगा, लेकिन आप बिल्कुल भी टेंशन मत करो, डाउट मत करो उस चीज को लेकर, बिकॉज आपने अगर पूरा अच्छे से ब्लॉग देखा होगा तो प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा अच्छी है, सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको रात को 11:30-12 बजे तक भी वो हमें कुछ ना कुछ फूड के लिए पूछ रहे थे कि आपको कुछ खाना है क्या, गुलाब जामुन बैठे थे पूछा डायरेक्टली, आप गुलाब जामुन खाएंगे सर? तो फिर हम तो ऐसे बैठ के बातें कर रहे थे, तो हमने कहा ठीक है बिल्कुल क्यों नहीं, तो उन्होंने रात को 11:30 बजे हमें गुलाब जामुन बुला के दिए, तो मतलब स्टाफ बहुत अच्छा है, आइसक्रीम वगैरह भी दिया उन्होंने रात में हमें, तो बहुत बहुत अच्छा स्टाफ है यहाँ का। ठीक है, तो उम्मीद है आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाओ, ताकि उनको भी पता चले कि इस रिजॉर्ट के बारे में, और यहाँ पे आप आओ विजिट करो, मस्ट रिकमेंडेड जगह है, पीसफुल वाली जगह है, एंड कपल्स के लिए तो बहुत ही अच्छी जगह, फैमिली भी आ सकती है, ऐसा नहीं है कि ओनली कपल्स के लिए, फैमिली भी आ सकती है, लेकिन कपल्स के लिए प्राइवेसी के हिसाब से भी बहुत अच्छा ऑप्शन। सो अगर ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारे इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और हमेशा हमारे साथ में कनेक्टेड रहो, और हमारा जो दूसरा चैनल है RHK ब्लॉग्स ऑफिशियल, उस चैनल को भी सब्सक्राइब करो, वहां पे हम पुणे के प्रॉपर्टी ब्लॉग्स भी डालते हैं। सो दिस इज टू ऑफ अस साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, टिल देन स्टे टेक केयर।